आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन, वर्डप्रेस हमें क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट, वर्डप्रेस है क्या? तो वर्डप्रेस ओपन सोर्स CMS है। CMS मींस की कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम CMS से कोई भी डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि CMS क्या है, तो बता देता हूँ कि CMS क्या है। जो हमारी CMS है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। CMS से हम यूज़र और एडमिन को डायरेक्टली कनेक्टेड कर सकते हैं। CMS डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। अब डायनेमिक वेबसाइट मतलब क्या? देखो फ्रेंड्स, वेबसाइट दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है स्टैटिक वेबसाइट और सेकंड होती है डायनेमिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या है? अगर हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं तो हमें अपडेट करने के लिए वेबसाइट में कोडिंग पार्ट्स में जाना पड़ेगा। मतलब कि हमें कुछ भी एडिटिंग करना है, जैसे कि मान लो कि मेरे 4 पेजेस है, अभी मुझे इसमें 1 पेजेस ऐड करना है, जैसे कि मान लो कि गैलरी पेज मुझे ऐड करना है। तो अगर मुझे गैलरी पेज अपडेट करना है, मीन्स कि ऐड करना है, तो मुझे कोडिंग में जाके फर्स्ट गैलरी पेज ऐड करवाना पड़ेगा, फिर उसकी कंटेंट ऐड करवानी पड़ेगी। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट हमें ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है कि अगर हमें पेजेस ऐड करनी है तो सिर्फ फर्स्ट पेज नेम देना होगा उसका, और उसके बाद उसकी कंटेंट लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेज नेम लिखेंगे, उसके बाद उस पेज की कंटेंट, जिससे हमारी कंटेंट एडमिन मैनेज करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो कंटेंट अगर हमें मैनेज करनी है किसी भी वेब पेज की, तो हमें डायनेमिक वेबसाइट बनानी पड़ती है। CMS में क्या होता है कि एडमिन कंटेंट, गैलरी, पेजेस और बहुत सारी फंक्शनलिटी ऐड कर सकता है। अगर एडमिन को किसी भी पेज की कंटेंट ऐड करनी हो, गैलरी में कोई एक इमेज ऐड करवानी हो या कोई न्यू पेजेस ऐड करवाना हो, तो CMS से एडमिन डायरेक्ट अपलोड कर सकता है। कुछ भी उसको चेंजेस करने हैं तो CMS से वो चेंज कर सकता है। अब CMS कौन से है? तो PHP के CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, जुमला है, ओपन कार्ट है, मजेंटो है। अब वर्डप्रेस हमें क्यों सीखना है? क्योंकि वर्डप्रेस यूनिक प्लेटफॉर्म दे रहा है और क्रॉस ब्राउजर कंपेबिलिटी दे रहा है। क्रॉस ब्राउजर कंपेबिलिटी मींस कि हमने मोजिला फायरफॉक्स यूज किया तो उसमें अलग डिजाइन दिखती है हमें, अगर मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया तो उसमें अलग डिजाइन दिखती है। लेकिन वर्डप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, कोई भी ब्राउजर में आप वेबसाइट ओपन करो तो वो हमें वेबसाइट ऐसे ही ओपन करके देता है जैसे हमने वेबसाइट क्रिएट की है। तो इसका एक बेनिफिट वो है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट क्या है? तो वर्डप्रेस फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। अगर उसको हमें यूज करना है तो हमें सिर्फ डाउनलोड करना है, यूज करके उसको मॉडिफाइड करना है। अगर हमें वर्डप्रेस यूज करना है तो उसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तीसरा बेनिफिट यह है कि वर्डप्रेस में अभी 2600 प्लस वर्डप्रेस थीम है। मतलब कि अभी कोई भी हमें थीम्स डाउनलोड करके यूज करनी हो तो हम यूज कर सकते हैं। मान लो कि हमने ओपन किया वर्डप्रेस फ्री थीम्स, तो यहाँ पर जो फ्री थीम्स है वो आपको दिखाया गया कि इतनी सारी हमारे पास फ्री थीम है। तो हम इसमें से कोई भी थीम्स यूज करके हम हमारी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारी थीम्स है, जो थीम्स हम अपलोड करके हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसमें हमें मॉडिफाई करना होगा, हमें कोडिंग कुछ भी करना नहीं है। अब नेक्स्ट है, वर्डप्रेस में करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? तो मैं बता दूं कि अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटी देखनी हो तो फर्स्ट क्या करना होगा, आपको कोई भी नौकरी का पोर्टल ओपन करना होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने इंडीड ओपन किया, अब यहां पर मैं लिखता हूं वर्डप्रेस और यहां पर अहमदाबाद लिख देता हूं और फाइंड जॉब करता हूं। तो यहां पर देखो बहुत सारी वर्डप्रेस की जॉब दिख रही है हमें, कि वर्डप्रेस में जॉब रिक्वायरमेंट बहुत है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस ने हमारा काम आसान कर दिया है और
जो थीमिंग्स और वो सब है, वो सब वो हमें बना के दे रहा है और हमें सिर्फ उसको मॉडिफाई करना है। अब सीएमएस हमने देख लिया, अब वर्डप्रेस क्या है और हमें वो काम आसान करके कैसे देता है। तो देखो, वर्डप्रेस में थाउजेंड प्लगइन अभी अवेलेबल है। अब प्लगइन्स क्या है, तो हम प्लगइन्स को मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमें बैनर, कॉन्टेक्ट फॉर्म, गैलरी, वो सारे हमारे मॉड्यूल है। तो हम कोई भी वेबसाइट से वर्डप्रेस के प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें से हम डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको हमें सिर्फ इंस्टॉल ही करना है। जैसे कि मुझे कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए कॉन्टेक्ट के पेज में, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा कॉन्टेक्ट फॉर्म प्लगइन्स इन वर्डप्रेस, तो हमें क्या दिखाएगा, वो प्लगइन्स दिखा देगा। देखो यहां पर प्लगइन्स दिख रहा है, इस प्लगइन्स को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। अब आसान काम इसमें कैसे हुआ, देखो हमें पहले कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना हो तो हमें पहले पेज बनाना पड़ता है, पेज बनाने के बाद उसको डिजाइन करना पड़ता है कॉन्टेक्ट फॉर्म को, कॉन्टेक्ट फॉर्म को डिजाइन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, मेल का कोडिंग करना पड़ता है। अब वर्डप्रेस ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि अगर आपको जैसे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म में कोई फील्ड ऐड करवानी हो, जैसे मुझे ऐड करवाना है एड्रेस, तो मैं क्या करूंगा, उसमें टेक्स्ट एरिया फील्ड लिखी होगी, उसमें जाके आपको सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक से वो आपको टेक्स्ट एरिया का डिजाइन दे देगा और सिर्फ आपको वो रख देना है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो वो मेल का कोडिंग भी वही कर देगा, सब कुछ वही कर देगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है, हमें डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करना है। अब वर्डप्रेस इजी कितना है, तो वर्डप्रेस इतना इजी है कि आपको अगर ईमेल सेंडिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना आता है और आप फेसबुक का अकाउंट सेटअप करके यूज कर सकते हो, तो आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हो। मींस कि अगर आपको ये सब पता हो कि ईमेल हम कैसे यूज करते हैं, फिर फेसबुक अकाउंट कैसे यूज करते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे यूज करते हैं, तो हम उससे वर्डप्रेस में मूव हो सकते हैं। अगर आपको ये सब सारी चीजें आती है तो आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। वर्डप्रेस के कौन से फीचर्स है जिससे यूजर अट्रैक्ट होता है उसकी वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस में। फर्स्ट हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या है, तो मैं बता दूं कि अभी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट हर एक जो भी हम ब्राउजर खोले या कोई भी मोबाइल वेबसाइट या टैबलेट या पीसी किसी में भी ओपन करे, हमारी वेबसाइट जो है वो इजीली कॉन्फ़िगर हो जाती है जैसा डिवाइस हो। यूजर अगर डेस्कटॉप में ओपन करता है तो डेस्कटॉप के लिए अलग से वो डिजाइन ओपन करता है। सोशल शेयरिंग फीचर्स, अब देखो सोशल शेयरिंग फीचर क्या होते हैं, हम कोई भी वेबसाइट में से एफबी में हमारी जो पेज की पोस्ट होती है या कुछ भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लो कि अगर ये पेज मुझे शेयर करना है एफबी में, तो फेसबुक में जाके मुझे ये पेज की यूआरएल लिखनी पड़ेगी, लेकिन सोशल शेयरिंग क्या प्रोवाइड करता है हमें कि उसी पेज में से हमें एफबी का एक आइकॉन दिखेगा, वहां से हम हमारी कोई भी पोस्ट होती है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट उसका है मल्टीपल पेज स्टाइल। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई भी पेज ऐड करवाना हो डायनेमिकली, तो वो पेज भी हमें ऐड करवा सकते हैं, उसकी सीएसएस अगर अलग लेनी है या स्टाइल अलग लेनी है तो वो भी स्टाइल भी ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद है विजेट। अब विजेट कहाँ पे काम आता है, अगर हमें कोई भी वेबसाइट में मॉड्यूल ऐड करवाना हो तो हम विजेट से वो मॉड्यूल मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सोशल शेयरिंग मॉड्यूल है, हम वो भी विजेट से मैनेज करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है थीम कस्टमाइजेशन। थीम कस्टमाइजेशन क्यों यूज होता है, तो वर्डप्रेस ऐसे फीचर्स दे रहा है जिससे कि हम थीम्स को कुछ भी, अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो बिना कोडिंग के हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं, वो सब हम बिना कोडिंग के कर सकते हैं। तो wordpress.org है, उसमें हम हमारी वेबसाइट और ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। wordpress.org में आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, आप इंस्टॉल करके, खुद के वेब सर्वर में होस्ट करके आप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि wordpress.org में क्या क्या हमें फैसिलिटीज मिल रही है। हम यहाँ पर फर्स्ट सर्च करेंगे wordpress.org,
और सेकंड सर्च करेंगे wordpress.com। तो देखो यहाँ पर wordpress.org में आपको WordPress डाउनलोड करने के लिए बता रहा है, मीन्स कि WordPress की जितनी भी सॉफ्टवेयर की डाउनलोड फाइल होगी वो यहाँ से डाउनलोड होगी। उसके बाद आपको WordPress इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। अब WordPress में अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको पहले डाउनलोड करना होगा WordPress, उसके बाद डोमेन जो URL हम बोलते हैं वो आपको बाय करना है, उसके बाद आपको होस्टिंग प्लान भी बाय करना है, होस्टिंग लेने के बाद आपको WordPress इंस्टॉल करना है। अब मोस्ट होस्टिंग कंपनी ऐसी होती है जो हमें WordPress सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट अंदर ही दे देती है, सिर्फ आपको वहाँ पे जाके इंस्टॉल ही करना है, वो WordPress अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब wordpress.com क्या है, तो wordpress.com देखते हैं। wordpress.com में आपको WordPress डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से ही वेबसाइट आपकी बनानी है, उसको आपको अपलोड भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे wordpress.com में जाना है, आपको कौन सा URL चाहिए, डोमेन चाहिए वो सिर्फ आपको बताना है, फिर आपको होस्टिंग प्लान लेना है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो wordpress.com और wordpress.org उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे wordpress.org। wordpress.org का एडवांटेज ये है कि फ्री है और ओपन सोर्स है, मीन्स कि उसका हमें कॉस्ट नहीं देना पड़ता। उसके बाद wordpress.org का एडवांटेज ये है कि हमारे पास सारे कंट्रोल होते हैं, मीन्स कि अगर हमें कंटेंट ऐड करनी है, पेजेस ऐड करनी है, प्लगइन्स ऐड करने हैं, कि कुछ भी ऐड करना हो, मॉड्यूल यूज़ करने हैं, तो उसका कंट्रोल हमारे पास होता है। wordpress.org में कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। अब यहाँ पर हम wordpress.com के बारे में देखते हैं। wordpress.com का एडवांटेज ये है कि वो टोटली फ्री है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये है कि उसका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस नहीं आता। उसके बाद तीसरा बेनिफिट है ऑलवेज लाइव एंड ऑलवेज फास्ट, मीन्स कि आप किसी टाइम पे आप अपनी वेबसाइट ओपन करोगे तो वो वहाँ पर लाइव ही होगी, कोई भी सर्वर का प्रॉब्लम नहीं है और बहुत फास्ट है। डिसएडवांटेज क्या है उसका, तो उसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि हम बाहर से प्लगइन ऐड नहीं करवा सकते, वो उसकी लिमिटेशन है। अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म आप बाहर से प्लगइन्स यूज़ नहीं कर सकते, वो उसके लिमिटेशन है। और वर्डप्रेस जो .org है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो, अपने आप से अपना कोडिंग कर सकते हो, कोडिंग में एडिट कर सकते हो। और wordpress.com जो है उसमें हमें FTP का एक्सेस नहीं मिलता, मीन्स कि उसमें हम कोडिंग क्या कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं wordpress.org में आपको WordPress डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब wordpress.com में प्लान्स और वो सब क्या है, तो यहाँ पर प्लान में जाते हैं हम, उसके बाद देखते हैं हम। देखो यहाँ पर फ्री जो है उसमें हमें सब डोमेन बनाना पड़ेगा, मीन्स कि हमारा डोमेन ऐसे बनेगा, अगर आपको .com .in वो सारे डोमेन यूज़ नहीं करने हैं और WordPress का अगर आपको डोमेन यूज़ करना है तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको पर्सनल यूज़ करना है, मीन्स कि आपको डोमेन अपना लेना है .com .in .org, तो उसके लिए $5.99 आपको पर मंथ पे करना पड़ता है, उससे आप कस्टम डोमेन आपका ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम प्रीमियम में जाते हैं, तो प्रीमियम में बहुत सारी फंक्शनलिटी है, स्टोरेज स्पेस बढ़ गई है और कस्टम डोमेन भी हम ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें $8.25 पर मंथ करने पड़ेंगे। उसके बाद बिजनेस में हम जाते हैं, बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर, तो अनलिमिटेड प्रीमियम थीम है, उसके बाद अनलिमिटेड स्टोरेज पेज है, तो इस तरह से हम $24.29 पर मंथ यूज़ करके बिजनेस में हम जा सकते हैं। तो इस तरह से हम wordpress.com से हमारे पास कोई एक्सेस फाइल का रहेगा नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है उसमें जो भी थीम्स दी हुई है वो डाउनलोड करनी है और उसके बाद इंस्टॉल करके एक्टिव करनी है। इस तरह से हम wordpress.com में यूज़ कर सकते हैं। और wordpress.org में हमारे पास सारे एक्सेस रहेंगे, मीन्स कि अगर हमें कोई भी कोडिंग ऐड करना है या कुछ भी प्लगइन्स डाउनलोड करना है, मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, कुछ भी करना हो तो आप wordpress.org से कर सकते हो। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमें wordpress.org या wordpress.com सही रहेगा।
तो हमारे पास wordpress.org है वो हमारा सही रहेगा, क्योंकि हमें कुछ भी कोडिंग एडिट करना हो तो हमारे पास एफटीपी पैनल चाहिए और wordpress.com वो पैनल हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो हम wordpress.org में जाके वर्डप्रेस डाउनलोड करके हम इंस्टॉल करके उसमें कोडिंग एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा wordpress.org है वही सही रहेगा, क्योंकि wordpress.com में लिमिटेशन है। तो आप समझ ही गए होंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें डेवलपिंग करना है तो डेवलपमेंट टूल्स कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे कुछ भी आपको कोडिंग करना है तो नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में से कुछ कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि अगर हमें डेवलपमेंट टूल्स यूज़ करना है तो या तो आप नोटपैड यूज़ करें या तो आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें। ये हमारे डेवलपमेंट टूल्स है। अब जबकि PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो PHP को अगर रन करना है तो सर्वर की रिक्वायरमेंट है और वर्डप्रेस जो है वो PHP का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके लिए भी सर्वर रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको वर्डप्रेस की कोई भी फाइल रन करवानी है तो उसके लिए आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखो, अपाचे सर्वर इंस्टॉलेशन में हमें कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। आप XAMPP, WAMP और LAMP तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। अब XAMPP, WAMP और LAMP क्या है? तो XAMPP, WAMP और LAMP हमें अपाचे सर्वर प्रोवाइड करते हैं। XAMPP का फुल फॉर्म है क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो फर्स्ट एक्स है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। उसके बाद A मीन्स अपाचे, M फॉर MySQL, P फॉर PHP एंड नेक्स्ट P फॉर Perl। उसके बाद सेकंड हमारा सर्वर है WAMP। फर्स्ट W मीन्स विंडोज, A मीन्स अपाचे, M मीन्स MySQL एंड P मीन्स PHP। नेक्स्ट LAMP है, तो LAMP का फुल फॉर्म क्या है? तो L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL एंड P फॉर PHP। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट जो XAMPP है क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मीन्स कि अगर हमें विंडोज़ में चलाना हो या लिनक्स में चलाना हो तो XAMPP चल जाता है। मीन्स कि अगर विंडोज़ में भी आपको सर्वर चलाना है और लिनक्स में भी आपको सर्वर चलाना है तो आप XAMPP इंस्टॉल कर दोगे दोनों में, विंडोज़ और लिनक्स में, तो आप अपाचे सर्वर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है WAMP। WAMP विंडोज़ के लिए है। आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो या 10 यूज़ कर रहे हो, तो उसमें WAMP सर्वर इंस्टॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि विंडोज़ के लिए है WAMP। और नेक्स्ट है LAMP। LAMP किसके लिए है? तो LAMP लिनक्स अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वहाँ पे LAMP यूज़ कर सकते हो। LAMP का फुल फॉर्म लिनक्स अपाचे MySQL एंड PHP है, उससे ही हमें पता चल जाता है कि लिनक्स के लिए LAMP है, विंडोज़ के लिए WAMP है। और अगर आपको विंडोज़ और लिनक्स दोनों में चलाना हो कोई भी प्लेटफॉर्म में तो आप XAMPP यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वर्डप्रेस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि HTML है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का यूज़ हमें क्यों करना है? तो हमारी जब वेबसाइट बनती है तो उसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये इमेज है, उसके बाद ये टेक्स्ट है, ये सब जो लिखा जाता है वो HTML में लिखा जाता है। मीन्स कि HTML जो है वो हमारा स्ट्रक्चर लेयर है, जिससे कि हम हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हमें इमेज ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करने हैं, तो हम HTML से वो सब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है CSS। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हमें प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। मीन्स कि वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं उसके बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, वो सब CSS से ऐड होते हैं। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है JavaScript। JavaScript का यूज ये है कि हमें हमारी वेबसाइट में कहीं पे भी इफेक्ट लानी हो, जैसे कि बैनर है, स्लाइडर है, इमेजेस चेंज होती जा रही है, वो सब JavaScript से होता है। नेक्स्ट है WordPress, जो कि हमें wordpress.org से हमें WordPress डाउनलोड करना है, उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है, उस तरह से हम WordPress को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी हुई। उसके बाद Core PHP। तो Core PHP
का फंडा क्या है कि डायनेमिक वेबसाइट बनाना, और वर्डप्रेस का भी फंडा वही है कि वर्डप्रेस से भी हम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो कोर पीएचपी भी आना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है MySQL। MySQL हम हमारे डेटाबेस के लिए यूज करेंगे, जैसे कि मैंने पोस्ट की तो वो पोस्ट कहीं पे डेटा स्टोर होगा, तो उसके लिए हमें MySQL यूज करना है। और यहाँ पर हम MySQL में पीएचपी माई एडमिन यूज करेंगे, जो कि डेटाबेस के लिए हमारा काम करेगा। तो फर्स्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वर्डप्रेस के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट टूल्स। आप नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हमें अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना होगा। अपाचे सर्वर में हमारा अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर दोनों आ जाएगा। तो हम XAMPP इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए XAMPP की रिक्वायरमेंट है, तो XAMPP इंस्टॉल करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट टूल्स में नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में से दोनों में से कोई एक इंस्टॉल करना है हमें। तो फर्स्ट हम नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करेंगे। अब इसको इंस्टॉल करना है डबल क्लिक करके, ओके करके, यस, उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, फिर नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है, और अभी रन नहीं करना है, ये इंस्टॉलेशन हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारा XAMPP सर्वर। तो यहाँ पर XAMPP सर्वर हम डाउनलोड कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अपाचे फ्रेंड्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन में से डाउनलोड करना है हमें XAMPP। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि 32 बिट वर्जन और 64 बिट वो दिखाएगा हमें। हमें 32 सिलेक्ट करना है या 64, वो हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 32 बिट दिखा रहा है, तो अगर हमें इंस्टॉल करना है तो फर्स्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है। अब XAMPP यहाँ से डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल जैसे नोटपैड प्लस प्लस किया है वैसे ही करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो XAMPP इंस्टॉल हो गया, अब चेक करना है हमें कि XAMPP स्टार्ट कैसे होता है। तो यहाँ पर सर्च में जाके आपको यहाँ पर लिखना है XAMPP, तो उसकी XAMPP की कंट्रोल पैनल दिखाएगा। XAMPP की कंट्रोल पैनल में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो अपाचे सर्वर अगर आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ पर स्टार्ट, उसके बाद डेटाबेस MySQL स्टार्ट करना है तो यहाँ पर स्टार्ट, वो स्टार्ट करने से यहाँ पर हमारा XAMPP कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इंस्टॉलेशन हमारा ख़त्म होता है तो यहाँ पर जो भी ड्राइव हमने सिलेक्ट की होगी वहाँ पर XAMPP नाम का फोल्डर बनेगा। अगर हमने सी ड्राइव की है तो सी ड्राइव में XAMPP का नाम का फोल्डर बनेगा। अगर डी ड्राइव में की है तो डी ड्राइव में XAMPP नाम का फोल्डर बनेगा। उसमें हमें XAMPP के बाद एट्टी डॉक्स में जाना है, जहाँ पे हमारे सारे फोल्डर्स जो भी एप्लीकेशन रन करनी है उसके फोल्डर यहीं पे होंगे। अब क्या करना है, हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस 4.6 जो वर्जन है उसकी जीप फाइल हमें डाउनलोड करनी होगी, तो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद इसे जो भी फोल्डर में डाउनलोड हुआ है उसको ओपन करना है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है जिप फाइल को, क्योंकि हम जिप फाइल को रन नहीं करवा सकते, तो हमें फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब वर्डप्रेस 4.6 फोल्डर ओपन करना है, उसके फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स होगी। अब हमें फोल्डर का नाम रीनेम करना होगा, यहाँ पर सिर्फ हमें वर्डप्रेस ही लिखना है, 4.6 की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के बाद इसके फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है वर्डप्रेस नाम का, उसके अंदर फाइल पड़ी है, तो हमें उसको पहले डायरेक्टरी से बाहर निकालना है। यहाँ से कंट्रोल एक्स और यहाँ पर कंट्रोल वी करना है, जिससे कि हमारे वर्डप्रेस नाम के फोल्डर में ही सारी फाइल्स आ जाए।
हमें और एक डायरेक्टरी चाहिए नहीं उसके अंदर। हमारी जो फाइल्स है वो यहाँ पर कॉपी हो गई है, अब इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देना है। अब जैसे कि हमारी वर्डप्रेस के अंदर ही सारी डायरेक्टरी आ गई है तो इस फोल्डर को हमें ज़रूरत नहीं है हमारी हमें इस फोल्डर की, तो इसको भी सिर्फ डिलीट कर देते हैं। अब हमारी डायरेक्टरी तो आ गई, यहाँ पर वर्डप्रेस नाम का फोल्डर आ गया। अब हम जाते हैं डी ड्राइव में जैम एट्टी डॉक्स, उसमें हम वो फोल्डर को एट्टी डॉक्स में रखना होगा। जैसे कि हमने डाउनलोड फोल्डर हमारा डाउनलोड यहाँ पर है तो इसको कॉपी कर लो। उसके बाद डी ड्राइव में हमें रन करनी है अगर वर्डप्रेस की फाइल तो यहाँ पर जैम उसके बाद एट्टी डॉक्स अगर इसमें रखेंगे तो हमारा फोल्डर रन हो जाएगा। अब कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पर कॉपी हो जाने के बाद अब हमारा जैम सर्विस स्टार्ट है। अगर आपको वर्डप्रेस की फाइल रन करनी है तो सर्वर को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टॉप स्टॉप दिखेगा, मतलब आपका जैम सर्वर स्टार्ट है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जाके लोकल होस्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, रन करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने पोर्ट चेंज किया हुआ है तो यहाँ पर मैं 8080 लिखूंगा क्योंकि मेरा पोर्ट चेंज है। अब हमारा जैम का डैशबोर्ड ओपन हो गया। आप जैसे लोकल होस्ट लिखोगे वहां पे आपका जैम का डैशबोर्ड दिखेगा। ये अपाचे है और अगर हमें डेटाबेस पार्ट देखना है इसका तो यहाँ पर आपको लोकल होस्ट, ये मेरा पोर्ट नेम, और उसके बाद आपको लोकल होस्ट / PHP MyAdmin लिखना होगा जिससे कि आपकी डेटाबेस की फाइल होगी वो यहाँ पर रन होगी। ये हमारा पूरा डेटाबेस का, जहाँ पर हमारा डेटाबेस स्टोर होगा जब भी हम पोस्ट करेंगे पेज बनाएंगे इसमें ही डेटा स्टोर होगे। अब क्या करना है, हमें रन करना है वर्डप्रेस को। तो यहाँ पर फर्स्ट लोकल होस्ट, उसके बाद हमने जो फोल्डर बनाया उसका नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया है वर्डप्रेस नाम का फोल्डर 80 डॉक्स में, तो यहाँ पर 80 डॉक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर वर्डप्रेस लिख दो। तो यहाँ पर वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी। फर्स्ट हमारी जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का दिखा रहा है, हमें क्या करनी होगी, फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर का हमारा फर्स्ट स्टेप होगा लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करके नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके यहाँ पर डेटाबेस नेम, उसका यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, वो सब देना होगा। यहाँ पर फर्स्ट लेट्स गो करना है यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट दिखा रहा है डेटाबेस नेम। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें सिर्फ डेटाबेस यहाँ पर नेम देना है, वो खुद ही टेबल इंस्टॉल कर देगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर जाके डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस में जाना है, उसके बाद क्रिएट डेटाबेस, उसमें डेटाबेस नेम देना है। तो यहाँ पर कोई भी डेटाबेस का नाम ले लो, मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस लिया हुआ है, उसके बाद क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको वर्डप्रेस दिखाई देगा। अब क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस नेम हमने वर्डप्रेस लिया है। अब देखो डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट ही होता है, MySQL PHP MyAdmin जो है उसका बाय डिफॉल्ट नेम यूजर नेम है, और पासवर्ड ब्लैंक आएगा जिसमें पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद डेटाबेस होस्ट, यहाँ पर लोकल होस्ट ही रखना है क्योंकि हमारा होस्ट लोकल होस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल होस्ट। तो उसके बाद टेबल प्रीफिक्स में कुछ भी चेंज नहीं करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद रन द इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन हो गया, हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो सेकंड स्टेप हमारा रहेगा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, साइट का टाइटल और वो सब देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम साइट टाइटल दे देते हैं माय साइट, कोई भी आप साइट नेम दे सकते हो। उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम ये एडमिन का है, जो भी हमारी एडमिन पैनल हमें कहीं से भी एक्सेस करनी होगी तो ये यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। तो थर्ड स्टेप हमारा है कि एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन कॉन्फ़िगरेशन, ओके। फर्स्ट देना है साइट टाइटल, उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम यहां पर मैं एडमिन दे देता हूं, और यहां पर पासवर्ड आपको देना है, ओके। तो पासवर्ड देने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद यहां पर ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस क्या है कि अगर हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया है तो अगर क्लाइंट अगर हमें
कॉन्टेक्ट फॉर्म भरता है और सबमिट करता है, तो इस ईमेल एड्रेस पर हमें वो जो भी कंटेंट उसने फिल की होगी वो उस ईमेल आईडी में दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस देना है। यहां पर वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन खत्म हो गया है। अब हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। यहां पर हमें 12 टेबल दिख रहे हैं जो कि हमने सिर्फ डेटाबेस नेम ही लिखा था और उसने क्या किया, टेबल सारे अपने आप ही इंस्टॉल कर दिए। अब क्या करना है, हमें एडमिन साइड यहां पर आपको ओपन दिखाई देगी कि ये एडमिन साइड है, और अगर हमें यूजर साइड देखनी है तो यहां पर सिर्फ वर्डप्रेस लिखो लोकल स्लेस वर्डप्रेस तो आपको यूजर पैनल दिखाई देगी। ये हमारी यूजर है और ये हमारा एडमिन है। अगर आप लॉग इन करोगे तो एडमिन पैनल एक्सेस कर पाओगे। तो जैम क्या है, पहले तो पीएचपी की कोई भी फाइल रन करवानी हो तो हमें अपाचे सर्वर चाहिए, तो जैम अपाचे सर्वर प्रोवाइड करता है। तो वो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो पहले हमें गूगल में जाना है और वहाँ पे जैम डाउनलोड ऐसा लिखना है। उसके बाद अपाचे फ्रेंड्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक करना है। उसमें हमें 5.6 वर्जन डाउनलोड करना है जो 32 बिट का है, ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉलर है उस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद यस देना है। यस देने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू विथ इंस्टॉलेशन में यस देना है, ओके देना है, नेक्स्ट। यहाँ पर सारे जो सर्वर MySQL वो सारी सर्विसेज है उस पर चेक रखना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पर फोल्डर का पाथ देना है कि किस फोल्डर में हमें, कौन सी ड्राइव में हमें इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ पर सी ड्राइव सिलेक्ट की है। पहले कभी हमने ड्राइव में जैम्प इंस्टॉल किया हो तो यहाँ पर पाथ चेंज करना है। मैं यहाँ पर डी ड्राइव में जैम्प इंस्टॉल करता हूँ, कोई भी ड्राइव में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डी ड्राइव में ओके करके नेक्स्ट, डी ड्राइव में भी इंस्टॉल हुआ हो तो ई ड्राइव नेक्स्ट, ओके। पहले हम सी ड्राइव में से जैम नाम का फोल्डर डिलीट कर देते हैं क्योंकि पहले इंस्टॉल हुआ है। अब मैं यहाँ पर फोल्डर का पाथ सी ड्राइव दूंगा, ओके करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। सी ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ये हमारा जैम्प इंस्टॉल हो गया है। अब हमें कंट्रोल पैनल ओपन करनी हो तो यहाँ पर चेक रहने देना है और फिनिश करना है, तो हमारी जैम्प की कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें इंग्लिश सिलेक्ट रखना है और सेव करना है। सेव करने के बाद ये हमारी कंट्रोल पैनल ओपन हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एडमिन पैनल और यूज़र पैनल कैसे ओपन होती है। तो फर्स्ट हमें जैम्प सर्वर स्टार्ट करना होगा। कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे और MySQL दोनों सर्विस को स्टार्ट करनी है। स्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर लोकल होस्ट, उसके बाद आपको लोकल होस्ट लिखने के बाद यहाँ पर वर्डप्रेस जो आपका फोल्डर का नेम है वो लिखना है। वो लिखने से आपको आपकी साइट यहाँ पर दिखेगी। अब एडमिन पैनल ओपन करना है तो इसको फर्स्ट कॉपी कर लो, उसके बाद यहाँ पर wp-admin लिख दो, उससे आपकी एडमिन पैनल ओपन हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर यूज़र नेम जो कि हमने यूज़र नेम दिया था वो लिखना है और उसका पासवर्ड लिखना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। इस तरह से आप आपकी एडमिन पैनल और यूज़र पैनल दोनों एक्सेस कर पाओगे। जो हमारी यूज़र पैनल है उसमें फर्स्ट हमें जो साइट का पेज दिख रहा है उसको हम थीम्स बोलते हैं,
जो भी हमारी थीम्स होगी एडमिन पैनल से एक्टिवेट होगी, वो यहाँ पर आपको यूजर पैनल में दिखाई देगी। और ये हमारा डैशबोर्ड है, सारे ऑप्शन डैशबोर्ड के एडमिन पैनल में है, जहाँ से पूरी साइट मैनेज होगी। अब हम फर्स्ट यहाँ पर पोस्ट देखेंगे, तो ये है वर्डप्रेस का जो टूल बार से है, वहाँ से सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है पोस्ट। तो पोस्ट में क्या क्या चीज़ होती है, तो फर्स्ट पोस्ट में हमारा टाइटल और हेडलाइन बॉक्स रहता है। तो टाइटल क्या होता है, तो जो भी हमें पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी टाइटल देना है वो टाइटल हम दे सकते हैं, वो वर्ड वर्ड में हो सकते हैं और कैरेक्टर में भी हो सकते हैं। उसमें आप एक पोस्ट आपने कर दी उसका टाइटल और दूसरी पोस्ट का टाइटल सेम नहीं रख सकते। आप यहाँ पर टाइटल देना हो तो आप में उसमें कोमास, फिर हाइफंस, डैशेस वो सब यूज कर सकते हो। एक ध्यान रखना है सिर्फ टाइटल में, कि हम एक टाइटल पोस्ट में यूज़ किया है तो दूसरा वही टाइटल हम दूसरी पोस्ट में नहीं रख सकते। फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट, उसके बाद यहाँ पर एड न्यू पोस्ट में जाते हैं। तो हमें क्या दिखता है, फर्स्ट है यहाँ पर हमारा टाइटल बार, जहाँ से हम पोस्ट को जो भी टाइटल देना हो वो हम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट क्या होता है, तो बॉडी पार्ट फर्स्ट ब्लैंक होता है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी कंटेंट लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से हम हमारी कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट हमें टाइटल देना है, उसके बाद बॉडी पार्ट में जाके हमें वो कंटेंट पेस्ट करनी है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, विजुअल और टेक्स्ट, उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट है प्रीव्यू बटन। प्रीव्यू बटन का क्या काम है, तो प्रीव्यू बटन, हमने यहाँ से कोई भी टाइटल दे दिया, कंटेंट दे दिया, उसको हमें देखना है कि वो कैसी पोस्ट लगेगी पब्लिश से पहले। अगर हमें प्रीव्यू करते हैं तो वो पोस्ट हमें वहाँ पे जो भी हमारे साइट होगी उसमें दिखेगी, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमें किस तरह से हमारी कंटेंट सेट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिश बॉक्स। पब्लिश बॉक्स का क्या काम है, तो पब्लिश बॉक्स में क्या होता है कि अगर हमें पोस्ट पब्लिश करनी है, ड्राफ्ट में रखनी है या कुछ भी करना है, तो हम पब्लिश, अगर उसी टाइम पे हमें पब्लिश करनी है तो पब्लिश बॉक्स में जाके हम पब्लिश कर सकते हैं। अगर उसको ड्राफ्ट में रखनी है तो ड्राफ्ट भी रख सकते हैं, पब्लिश इमीडिएटली तो इमीडिएट भी कर सकते हो। अगर आपको पोस्ट उसी टाइम पे पोस्ट करनी है तो यहाँ पर आप पब्लिश भी देख सकते हो, अगर ड्राफ्ट में रखनी है तो सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो। उसके बाद है पोस्ट के टैग्स। आपने कहीं पे देखा होगा कि फेसबुक में आप हैशटैग यूज़ कर रहे हो, तो इसी तरह से यहाँ पर टैग्स है। अगर दो पोस्ट या तीन पोस्ट का अगर हैशटैग से मींस कि पोस्ट टैग सेम होगा तो उस टैग्स पे हम क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट ओपन होगी। जैसे भी मान लो कि हमने एक टैग ले लिया PHP, अगर वही टैग्स तीन या चार पोस्ट में होगा तो PHP का टैग्स बन जाएगा, उसमें क्लिक करते ही वो चारों पोस्ट आपको दिखाई देगी। तो पोस्ट टैग क्या है कि कैटेगरी का सब कैटेगरी है, वो भी बोल सकते हैं हम कि अगर हमें पोस्ट कर दी है तो उसी कैटेगरी की हमें पोस्ट दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हम पोस्ट टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या होता है, तो कैटेगरीज भी उसी टाइप से, हम अगर हमने कैटेगरीज बना दी है कि PHP ASP.NET Java, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, तो उस कैटेगरी में वही कंटेंट दिखनी चाहिए, उस तरह से हम कैटेगरी में वो कंटेंट सेट करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि अगर यूज़र को इंटरएक्टिविटी चाहिए, मींस कि अगर हमने पोस्ट कर दी कि PHP के रिगार्डिंग कोई भी ट्यूटोरियल रख दिया, तो यूज़र को अगर उसमें कमेंट देनी है और उसको अच्छी लगी या ख़राब लगी वो उसको कमेंट करनी, या कुछ भी डाउट हो वो उसको पूछना हो, तो हम वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि पोस्ट कैसे पब्लिश होती है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें फर्स्ट यहाँ पर हेलो वर्ड, यहाँ पर हमारी पोस्ट दिख ही रही है, उसको एडिट करना है, तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते, डिलीट कर सकते, सब कुछ कर सकते, यहाँ से मैनेज भी कर सकते। जैसे कि मुझे ये राइटिंग हटाना है, तो यहाँ पर स्टार्ट राइटिंग, यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर आपको पोस्ट दिख रही है हेलो वर्ड, और उसमें यहाँ पर राइटिंग लिखा हुआ है, तो राइटिंग मैंने निकाल दिया। उसके बाद अपडेट करते हैं हम, तो जैसे ही एडमिन पैनल से हमने राइटिंग निकाल दिया तो यूज़र पैनल से यहाँ पर हमें राइटिंग शो करना बंद कर देगा। तो इस तरह से हम एडमिन और यूज़र को मैनेज करवा सकते हैं।
तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पोस्ट का क्या मतलब है, पोस्ट कैसे ऐड करते हैं, अगर हमें नई पोस्ट ऐड करनी है तो हमें कैसे करनी है। तो फर्स्ट हमें टाइटल देना होगा, यहाँ पर फर्स्ट चले जाते हैं ऐड न्यू पोस्ट में, उसके बाद फर्स्ट टाइटल, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट कॉपी पेस्ट करनी है, यहाँ पे कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉडी में हमें कंटेंट रखनी होगी, कंटेंट रखने के बाद क्या करना है आपको, पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश करते ही आपकी पोस्ट आपको वेबसाइट के जो भी पेजेस में आपने रखी है, अभी तो हमने होम पेज में रखी हुई है, जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड पे ओपन करते हैं तो हेलो वर्ल्ड की कंटेंट ओपन होती है। हम बैक चले जाते हैं होम पेज में, होम पेज में चले जाने के बाद यहाँ पर हम पब्लिश करते हैं हमारी जो पोस्ट है वो। पब्लिश हो जाने के बाद आप पोस्ट में जैसे जाएंगे, फर्स्ट यहाँ पर एक पोस्ट दिख रही थी, अब हमें दो पोस्ट दिख रही है। ऑथर यहाँ पर एडमिन है क्योंकि हमने एडमिन ने ही ऐड किया हुआ है। कब पब्लिश की है तो वो दिखा रहा है कि 1 मिनट अगो पोस्ट की हुई है आपने। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को, तो यहाँ पर हमें कंटेंट दिख रही है कि हमारा टाइटल जो था वो, और यहाँ पर कंटेंट जो सेकंड वाली पोस्ट थी वो नीचे चली गई है, और हमने जो नई पब्लिश की है वो यहाँ पर दिख रही है। तो जैसे ही हम उस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे हमें पूरी कंटेंट दिखेगी। तो इस तरह से हम हमारी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। अब हम पब्लिश हो जाने के बाद यहाँ पर देखो, पब्लिश हो जाने के बाद आप जब भी पोस्ट में जाओगे, यहाँ पर एडिट करते हैं हम, एडिट करते ही हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, विजुअल और टेक्स्ट। ये क्या है तो देखते हम कि ये क्या है। तो देखो जो टेक्स्ट है हमारा उसमें हमें कोडिंग दिखेगा, जैसे कि हम कोई भी टेक्स्ट हो उसमें बोल्ड करना हो उस टेक्स्ट को, तो हम बी टेक का यूज़ कर दें, तो हमें पता है कि उसका कोडिंग क्या है। बी टेक स्टार्ट करते हैं, बी टेक ओवर करते और उसके बीच में कंटेंट रखते हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट में हमें जो भी कोडिंग करनी हो तो हम टेक्स्ट में कर सकते हैं, उसकी इफेक्ट हमें ब्राउजर में दिखती थी उसमें, और यहाँ पर हम विजुअल में वो जो भी हमने चेंजेस किए वो देख सकते हैं। जैसे कि हम टेक्स्ट में जाए और इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड करते ही आपको यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग टैग आ गया, स्ट्रॉन्ग टैग ओवर आ गया, उसके बीच में टेक्स्ट आ गया। लेकिन जब हम विजुअल में जाते हैं तो विजुअल में उसको उसकी जो इफेक्ट होगी वो बोल्ड दिखेगी। अब इसको हम अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद आप यहां पर उसकी इफेक्ट देख सकते हो, वो बोल्ड दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्राउजर है और टेक्स्ट में हमें कोडिंग दिखेगा। तो विजुअल और टेक्स्ट क्या है? तो विजुअल में अगर हमें कोई भी कोडिंग की हो उसकी इफेक्ट हमें विजुअल में दिखाता है, जैसे कि हम ब्राउजर में कुछ भी रन करते हैं तो हमें इफेक्ट दिखाई देगी कोडिंग की, तो उस तरह से विजुअल में हमें कोडिंग का इफेक्ट दिखेगा। जैसे ही मैंने टेक्स्ट में यहाँ पर बी टेक पे क्लिक किया तो वो कंटेंट बोल्ड हो गई, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट में क्या दिखाएगा? उसका कोडिंग दिखाएगा। जो भी हमने बोल्ड किया तो उसका कोडिंग यहाँ पर दिखाएगा कि ये कोडिंग है उसका। तो इस तरह से हम हमारी पोस्ट को इफेक्टिव बना सकते हैं विजुअल और टेक्स्ट से। तो फर्स्ट हम पोस्ट में जाके कोई एक पोस्ट ऐड करते हैं न्यू, उसमें फर्स्ट हम टाइटल दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पर कंटेंट पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वो जाने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, विजुअल और टेक्स्ट। विजुअल में आपका जो भी कंटेंट होगा वो एज अ विजुअल दिखाएगा, और यहाँ पर टेक्स्ट आपको यहाँ पर कोडिंग दिखाएगा कि अगर आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करते हो तो बोल्ड का कोड दिखाएगा, और विजुअल में उसकी इफेक्ट दिखाएगा कि वो कंटेंट बोल्ड हुआ है कि नहीं। तो हम टेक्स्ट में चले जाते हैं फर्स्ट, अब देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो ये एक HTML एडिटर है कि आप जैसे कि वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो तो उसमें ऊपर आपको टूलबार दिखता है कि बोल्ड करना है तो बी यूज़ करो, इटैलिक करना है तो आई यूज़ करो, तो उस हिसाब से यहाँ पर विजुअल यहाँ पर लिया गया है, विजुअल एडिटर। तो उससे क्या हमें फ़ायदा होगा? अगर हम सिंपल टेक्स्ट एरिया लेते हैं तो उसमें अगर टेक्स्ट को बोल्ड करवाना है तो उसमें कोड लिखना पड़ेगा कि बी टैग और बी टैग के बीच में जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ से बोल्ड हो जाएगा। लेकिन हमारा एडमिन कोडिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ यहाँ से मैनेज कर सकता है, उसकी पोस्ट अगर उसको मैनेज करनी है या कुछ भी करना है तो वो वहाँ से मैनेज कर पाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर टेक्स्ट HTML टेक्स्ट एडिटर दिया गया है, जिससे कि जो एडमिन है उसको यूज़र फ्रेंडली लगे। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर हमें फर्स्ट हम देखते हैं बी टैग का यूज़ क्या है। तो बी टैग क्या करता है कि बोल्ड करता है टेक्स्ट को। तो देखते हैं यहाँ पर
कोई भी ऐसा टेक्स्ट ले लेते हैं जिसको हम बोल्ड करेंगे, यहाँ पर पब्लिशिंग है उसको बोल्ड करना है, तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद बी पे क्लिक करना है तो वो वहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि विजुअल में जाते ही पब्लिशिंग आपको बोल्ड दिख रहा है। अब जब हम पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद यहाँ पर आपको वो पोस्ट दिखाई देगी। फर्स्ट तो देखो यहाँ पर पोस्ट हमें दिख रही है, जो सारे टेक्स्ट है वो सिंपल है, लेकिन पब्लिशिंग हमने बोल्ड किया था इसलिए वो बोल्ड में दिख रहा है। देखो यहाँ पर पब्लिशिंग बोल्ड में दिख रहा है। अब हमें कुछ भी इटालिक में लिखना है, पैकेजेस हमें इटालिक में चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड है हमारा इटालिक, तो यहाँ पर पब्लिशिंग को, यहाँ पर पैकेजेस को क्लिक करो, क्लिक करते ही आप इटालिक पे क्लिक करोगे तो वो इटालिक में दिखेगा। यहाँ पर अपडेट करते हम, देखो मैंने विजुअल से भी ऐड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर विजुअल से भी आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम रन करते हैं तो वो इटैलिक फॉर्मेट में दिखेगा जो पैकेजेस है वो। फर्स्ट वो सिंपल टेक्स्ट में दिख रहा था, अब वो इटैलिक में दिख रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने बोल्ड देखा, उसके बाद इटैलिक देखा। अब नेक्स्ट जाते यहाँ पर डिलीट में, तो देखो यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, उसको यहाँ पर क्लिक करते ही वो यहाँ पर लाइन दिखाएगा कि ये टेक्स्ट डिलीटेड है। इसको हम अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर देखो हमें ये टेक्स्ट है वो डिलीटेड दिखा रहा है। वो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा लेकिन वो डिलीटेड है ऐसा माना जाएगा, यूजर डायरेक्ट पढ़ेगा उसके बाद की कंटेंट, वो कंटेंट वो यूजर नहीं पढ़ेगा, तो डिलीट का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है और उसके बाद ऑर्डर लिस्ट है। अब देखो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का काम क्या है, तो यहाँ पर फर्स्ट लिखते हम 1, 2 और 3, इन तीनों को बुलेट फॉर्मेट में लाना है। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो वो 1, 2 और 3 बुलेट फॉर्मेट में दिखाएगा। अब इसको अपडेट करते हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं कि वो बुलेट में आ गए होंगे, 1, 2 और 3 हमें बुलेट कंटेंट में दिखा रहे हैं। अगर आपको नंबर में चाहिए तो यहां पर 1, 2, 3 और यहां पर नंबर फॉर्मेट, तो 1, 2, 3 उसने फॉर्मेट में कर दिया। अब इसको अपडेट करते हैं तो यहां पर 1, 2, 3 फॉर्मेट में दिखेगा। तो आप देख रहे हो कि एडमिन के साथ यूजर को मैनेज करवाना कितना इजी है, इसलिए हमें वर्डप्रेस यूज करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉक कोड्स, उसका क्या यूज है। ये कंटेंट हम ले लेते हैं, आप देखते होंगे वेबसाइट में कि अगर कोड्स लिखे होंगे तो वो अलग तरह से फॉर्मेट में दिखते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉक कोड्स पे क्लिक करते हैं हम, तो देखो यहाँ पर लाइन आ गई और फॉर्मेट चेंज हो गया। अब इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद यहाँ पर कंटेंट देखते हैं, फर्स्ट वाली जो कंटेंट थी वो सिंपल दिख रही थी और सेकंड वाली जो ब्लॉक कोड्स के साथ कंटेंट है वो कोड्स की तरह दिख रही है। अगर आपको कोई भी कोड्स लिखना हो तो आप कोड्स ब्लॉक कोड्स में लिख सकते हो। अब इसको सिंपल कंटेंट बना देते हैं हम। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आपको लाइन चाहिए तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा सकते हैं। जैसे कि मैनी डेस्कटॉप है उसके नीचे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो और अपडेट कर दो। अब यहाँ पर अपडेट करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, जिससे कि कंटेंट अलग अलग हो गई। एक ही कंटेंट है, एक ही पोस्ट है, लेकिन अलग अलग कंटेंट हमें दिख रही है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से आप कंटेंट को मैनेज करवा सकते हो कि ये कंटेंट है, उसके बाद दूसरी कंटेंट चालू हुई यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तीनों जो है वो लेफ्ट राइट और सेंटर में ले जाने के लिए टेक्स्ट को, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम कंट्रोल सी करके कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब कंटेंट यहाँ पर देखो सेंटर में करनी हो, लेफ्ट में करनी हो या राइट करना, आपने अगर लेफ्ट किया तो ये यहाँ पर कंटेंट लेफ्ट ही है, अगर राइट किया तो राइट में चली जाएगी वो कंटेंट, अगर ये बीच का करते हो सेंटर में तो सेंटर में चली गई कंटेंट। तो इस तरह से आप कंटेंट को लेफ्ट राइट और सेंटर में कर सकते हो। तो ये कंटेंट लेफ्ट और राइट सेंटर मैनेज करने के लिए है। तो इसमें हमने देखा कि वर्डप्रेस में टेक्स्ट एडिटर कैसे काम करता है, बहुत सारे ऑप्शन हमने देख लिए। नेक्स्ट में हम लिंक और वो सब टैग देखेंगे। अब यहाँ पर हमने जब ब्लॉक कोड्स यूज किया तो देखो यहाँ पर विजुअल और टेक्स्ट में मैं डिफरेंस अभी भी बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके। ये विजुअल है हमारा, जब हम ब्लॉक कोड्स ऐड करवाते हैं तो टेक्स्ट में किसे देखेगा, टेक्स्ट में हमें ब्लॉक कोड नाम का टैग दिखेगा और ब्लॉक कोड और दिखेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, कोडिंग दिखा रहा है उस चीज़ का, और विजुअल में हमें इफेक्ट दिखा रहा है। तो विजुअल और टेक्स्ट का ये डिफरेंट है कि अगर हमें कहीं पे लिंक ऐड करवानी है, हाइपर लिंक, तो कैसे ऐड करवाते हैं। तो हमारी जो पोस्ट है यहाँ पर उसमें हम लिंक ऐड करवाते हैं,
देखो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इस टेक्स्ट में हमें लिंक सेट करवानी है, तो फर्स्ट इस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद इंसर्ट लिंक करना है, उसके बाद इंसर्ट लिंक के बाद हमें जो लिंक सेट करवानी है वो कॉपी करनी है, उस टेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमें जो भी लिंक ओपन करवानी है उसकी यहाँ पर URL को पेस्ट करना है, उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप अपडेट करेंगे, अपडेट करते ही आप जब भी आप यूज़र में जाओगे आपको टेक्स्ट एज अ लिंक बन गए होंगे, आप क्लिक करोगे तो जो आपकी वेबसाइट होगी उस पर रिडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है, आप देख ही रहे हो हमें यहाँ पर ए टेक का कोडिंग नहीं लिखना पड़ रहा है, जब हम टेक्स्ट में जाएंगे तो उसने ए टेक का कोडिंग कर दिया होगा, जो भी रेफरेंस हाइपरलिंक रेफरेंस देना होगा वो दे दिया होगा, और जो भी हमने टेक्स्ट में रखा है उसको बीच में ले लिया है और ए टेक ओवर कर दिया है। तो वर्डप्रेस कितना इजी है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इस लिंक को हमें रिमूव करना है, तो यहाँ से उसके बीच में रिमूव लिंक है तो उस टेक्स्ट को फिर से क्लिक सिलेक्ट कर दो, उसके बाद रिमूव लिंक दे दो, तो वो एज अ सिंपल टेक्स्ट बन जाएगा। अब हम फिर से देखते हैं कि लिंक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। फर्स्ट हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट और एडिट लिंक में जाना है, उसके बाद यहाँ पर जो भी URL है उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिंक ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर लिंक ऑप्शन में जाना है। लिंक ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट URL जो भी आपको देनी है वो, उसके बाद लिंक टेक्स्ट क्या है वो। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं क्लिक करता था तब वो URL पे रिडायरेक्ट उसी टैब में होता था, अगर आपको न्यू टैब में करवाना है तो यहाँ पर क्लिक कर दो ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, उसके बाद अपडेट कर दो। अपडेट करते ही यहाँ पर पोस्ट में आपको अपडेट मिल जाएगी, उसके बाद अपडेट कर दो। पोस्ट अपडेट होते ही यहाँ पर मैसेज दिखेगा। अब यहाँ पर हम पोस्ट देखते हैं, यहाँ से भी आप व्यू पोस्ट करके पोस्ट देख सकते हो, हमारी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है। पोस्ट देखने के बाद देखो यहाँ पर क्लिक करते ही न्यू टैब में ओपन हो रहा है, जो भी हमें टेक्स्ट है वो न्यू टैब में ओपन हो रहा है। अब बैक करते हैं हम, उसके बाद जो भी कंटेंट है उसकी लिंक हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दो। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिमूव लिंक है उस पर जाके रिमूव कर सकते हो आप। तो इस तरह से आपको अगर लिंक मैनेज करवाना है तो लिंक मैनेज करवा सकते हो। तो यहाँ पर लिंक हमने सीख लिया है, उसके बाद इंसर्ट रीड मोर टैग। तो रीड मोर टैग का काम क्या है फर्स्ट वो बता देता हूँ मैं। हम हमारी वेबसाइट ओपन करते हैं, जब हम हमारी वेबसाइट ओपन करते हैं तो पूरी की पूरी पोस्ट वहाँ पर ही दिख रही है आपको, जो भी आपकी पोस्ट है वो उसी पेज पर दिख रही है। मैं यहाँ पर फर्स्ट पेज ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको दिख रही है पूरी की पूरी पोस्ट दिख रही है। अगर आपको ऐसा करना है कि आधी पोस्ट दिखे और आधी पोस्ट दूसरे पेज में दिखे तो आप यहाँ पर रीड मोर टैग का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि फर्स्ट कंटेंट दिखेगी हमें पेज में जहाँ पे हमने रीड मोर टैग रखा होगा उतनी कंटेंट दिखेगी, और उसके बाद की कंटेंट जो होगी वो दूसरे पेज में दिखेगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पर हमें इतनी पोस्ट दिखानी है कि जहाँ पे 3-2 लिखा वहाँ पे ओवर हो जाए और जो दूसरी कंटेंट है वो रीड मोर पर क्लिक करते ही दिखाई जाए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट उस जो वहाँ पे एंटर कर देते हैं उस पोस्ट के नीचे, और यहाँ पर हम जाते इंसर्ट रीड मोर टैग। तो यहाँ पर आपको मोर टैग यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ से रीड मोर है। अब इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कंटिन्यू रीडिंग आ गया। अब जब कंटिन्यू रीडिंग पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें जो पूरी पोस्ट होगी वो दिखेगी। तो इस तरह से हम हमारी कंटेंट में रीड मोर सेट करवा सकते हैं। अगर आपको पूरी कंटेंट नहीं दिखानी यूज़र को फर्स्ट पेज पे तो आप वो सेट करवा सकते हो। फर्स्ट हम जाएंगे माई साइट में, यहाँ पे हमने जहाँ पे रीड मोर सेट किया है उसके ऊपर की कंटेंट हमें दिख रही है और नीचे की कंटेंट हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे हमने रीड मोर नाम का जो टैग है वो वहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो अब हम कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करते हैं, तो कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करते ही जो भी रीडिंग होगी वहाँ से नीचे की वो हमें दिखाई देगी, जो कि रीड मोर के बाजू का जो टैब है वहाँ से हम चेक करवा सकते हैं। तो हम टूल बार टॉगल पर क्लिक करते हैं। टूल बार टॉगल का यूज़ क्या है, तो हमारा जो टेक्स्ट है उसकी हमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कलर, वो सब अगर हमें जो भी स्टाइल देनी है वो यहाँ से टूल बार टॉगल से आप क्लिक करोगे तो टूल बार टॉगल ओपन होगा। अब देखो हम
HTML में H1 to H6 हेडिंग के लिए यूज करते थे। तो यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं हेडिंग, जैसे कि लिख देते हैं डमी कंटेंट, यहां पर मैंने लिख दिया है। अब ये डमी कंटेंट को हमें हेडिंग बनाना है, तो हम क्या करते थे कि H1 to H6 यूज करते थे, जो हमें यहां पर दिए गए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। अब हम हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से हमारा टाइटल जो है हेडिंग है वो बन जाएगा। अगर हम एड 2 पे क्लिक करते हैं तो उस तरह से सेट हो जाएगा, टेक्स्ट सेट करके दे देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर वर्डप्रेस में कितना काम इजी है, क्योंकि हमें कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोडिंग वो खुद से ही कर देगा कि H1 कहां पे यूज करना है, H2 कहां पे यूज करना है, H3 कहां पे यूज करना है। जब हम टेक्स्ट में जाते हैं तो वहां पर हमें कोडिंग दिखाई दे रहा है, कोडिंग में हमने जो कंटेंट लिखी है उसके आजू बाजू में H6 टैग दिख रहा है आपको, यहां पे स्टार्ट किया हुआ है, यहां पे ओवर किया हुआ है, तो उसकी इफेक्ट हमें विजुअल में दिख रही है। अब हम अपडेट करते हैं इसको, तो हम हमारी वेबसाइट अब रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर हेडिंग टैग हमें दिख रहा है, देखो यहां पर हेडिंग लिखा हुआ है। अगर हमें चेंज करना है तो यहां पर H1 लेना है, तो हम हेडिंग 1 में चले जाते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो वो उस हिसाब से हमें हेडिंग सेट करके दे देगा। देखो यहां पर H1 टैग आ गया। अगर हम H2 यूज करते हैं, पहले सिलेक्ट करो उसके बाद हेडिंग 2 उसके बाद अपडेट, अपडेट करते ही वो वहां पर आपको आउटपुट में H2 टैग में आपका हेडिंग दिखाएगा। अब नेक्स्ट है अंडरलाइन। देखो अंडरलाइन का यूज क्या है, अगर आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो आपको फर्स्ट, यहां पर मैं हेडिंग को ही अंडरलाइन दे रहा हूं, तो हेडिंग को सिलेक्ट करो फर्स्ट, उसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन पे क्लिक करते ही आपको यहां पर लाइन दिखेगी। अब हम आउटपुट में देखते हैं, अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद यहां पर रन करते हैं, रन करके ही हमारे हेडिंग के जो नीचे है वहां पे अंडरलाइन सेट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्यों यूज होता है, तो हमारे जो टेक्स्ट है वो एंड हो रहे हैं वहां पे, देखो स्पेसिंग, देखो यहां पर स्पेसिंग ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो टेक्स्ट क्या है कि हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाले में बहुत कम जगह है, सेकंड वाले में बहुत ज्यादा जगह है, यहां पर देखो फॉर्मेट में नहीं आ रहे। तो हमें अगर टेक्स्ट को फॉर्मेट में लाना है, यहां पर टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जस्टिफाई सेट करना है। तो जस्टिफाई सेट करते ही हमें जो देखो टेक्स्ट की जो टेक्स्ट जहां पर कंप्लीट हो रहे हैं सब सेम जगह पर ही कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद क्या करना है हमें अपडेट करना है। तो फर्स्ट टेक्स्ट ऐसे आड़े टेढ़े दिख रहे थे, उसके बाद हमने जस्टिफाई दे दिया, तो टेक्स्ट कैसे दिखते हैं, देखो यहां पर टेक्स्ट सीधे हो गए। अब जब भी हम टेक्स्ट की एंडिंग देख रहे हैं तो सब में लाइन जो भी है वो वहां पर टेक्स्ट खत्म हो गए, जैसे कि यहां पर इट हैज खत्म हुआ है, वहां पर ही ओवर खत्म हुआ है। इस तरह से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर ऐसी प्रॉपर्टी है जहां से हम टेक्स्ट के जो भी फॉन्ट कलर होंगे वो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर ये टेक्स्ट है इसका कलर हमें चेंज करना है, तो यहां पर टेक्स्ट सिलेक्ट करो उसके बाद कलर सिलेक्ट करो, तो यहां पर टेक्स्ट कलर चेंज हो गया है, जो कि हम अगर हम PHP में बनाते हैं या HTML में बनाते हैं तो हमें वो फॉन्ट चेंज करने के लिए CSS का यूज करना पड़ता, लेकिन यहां पर क्या कर दिया है उसने, काम आसान कर दिया है, क्योंकि यहां पर HTML एडिटर आ गया है, जिससे कि एडमिन होगा वो उसको कलर चेंज करना है तो फर्स्ट वो सिलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको टेक्स्ट कलर पे क्लिक करते ही यहां पर ऑप्शन दिखेंगे, ऑप्शन दिखने के बाद उसको टेक्स्ट कलर जो भी चेंज करना है वो टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता है। तो इसको हम अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद यहां पर हम इफेक्ट देखते हैं हमारी वेबसाइट में, तो देखो यहां पर टेक्स्ट कलर जो है वो हमारे चेंज हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर। अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर कोई भी यूज करना है तो यहां से स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि कॉपीराइट लिखना है तो यहां पर देखो कॉपीराइट का ऑप्शन आ गया, उसके लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्पेशल कैरेक्टर में चले जाओ, यहां से कोई भी कैरेक्टर आप सिलेक्ट करो और आप यूज कर सकते हो, जैसे कि 1 यूज करना है तो 1 भी यूज कर सकते हो, आप स्पेशल कैरेक्टर में @ यूज करना है, कॉपीराइट यूज करना है, जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। देखो अगर मुझे ऐसा लिखना है कि कॉपीराइट, तो यहां पर आपको कॉपीराइट लिखने के लिए यहां पर सिर्फ कॉपीराइट लिखना है, और कॉपीराइट के साइड में जो कॉपीराइट आता है उस स्पेशल कैरेक्टर वो आपको क्लिक करना है और कॉपीराइट आपको मिल जाएगा। वो टेक्स्ट कलर है, फिर उसकी जस्टिफाई है,
फिर अंडरलाइन है और H1 से लेके S6 तक हमारे टैग है। अगर इसका आप कोडिंग देखोगे तो यहाँ पर देखो आपको कॉपीराइट का कोडिंग दिख रहा है, फिर हमने पैराग्राफ लिया तो पैराग्राफ का भी कोडिंग दिख रहा है, जस्टिफाई किया तो उसने CSS ऐड कर दी, फिर यहाँ पर अंडरलाइन किया तो हमें CSS कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा खुद से ही CSS बना देगा। देखो यहाँ पर स्पान ले लिया, उसकी CSS दे दी और उसको टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दे दिया। तो अगर हमें कोडिंग पार्ट में जाके भी हमको कुछ एडिटिंग करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, अगर हमें विजुअल में जाके करना है तो भी हम कर सकते हैं, अगर आप डेवलपर हो तो टेक्स्ट में जाके आप कर सकते हो, विजुअल में जाके भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें ये सब क्यों यूज़ करना है, क्योंकि एडमिन होगा उसको कोडिंग पार्ट्स नहीं समझ में आएगा, उसको सिर्फ कंटेंट एडिटिंग और वो सब ही करना है, तो वो HTML एडिटर से वो कंटेंट उसको जैसे सेट करना हो वैसे सेट कर सकता है, जैसे कि उस फॉन्ट कलर चेंज करना है तो उसके लिए उसको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो सिर्फ फॉन्ट कलर पे जाके क्लिक करेगा और कलर सेट कर देगा तो वो उस हिसाब से कलर सेट करके दे देगा। तो आपको समझ में आ गया कि वर्डप्रेस अब PHP से कई सारा ईजी है और यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि PHP में एडमिन पैनल हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है, यहाँ पर सब कुछ हमें एडमिन पैनल दिख रही है, वो एडमिन पैनल हमें वर्डप्रेस ने बना के दे दी है। आज हमने देखा टूलबार इन वर्डप्रेस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट पब्लिश इन वर्डप्रेस।